परेशान हालत में खड़ा था। उसने शेख चिल्ली को देखते ही कहा, ए भाई, इस टोकरे को जरा मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो तुम्हें दो अंडे दूंगा। सिर्फ दो अंडे? दो अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है। ये सुनते ही उसने अंडों का टोकरा सिर पर रखा और सेठ के पीछे पीछे चलने लगा। वो मजदूरी से मिलने वाले दो अंडों को लेकर तकदीर बदलने का सपना देखने लगा। वो सोच रहा था, सेठ मुझे दो अंडे देगा, अंडों से चूजे निकलेंगे जो बड़े होकर मुर्गे या मुर्गियां बनेंगे, मुर्गियां और अंडे देंगी जिनमें से और चूजे निकलेंगे, इस तरह मेरा एक बड़ा सा मुर्गी घर बन जाएगा। अरे वाह, कुछ समय बाद मैं सारी मुर्गियां बेचकर कई भैंसे खरीदूंगा, इस तरह जल्दी ही मेरा दूध बेचने का व्यवसाय शुरू हो जाएगा, लोग मुझसे दूध खरीदने आएंगे और मैं अमीर बन जाऊंगा। इसके बाद मैं अपनी सारी भैंसे बेचकर एक हाथी खरीदूंगा, लोगों को उसकी सवारी करवाऊंगा और पैसे इकट्ठे करके एक और हाथी खरीदूंगा, फिर उनके बच्चे होंगे, धीरे धीरे मेरे पास बहुत से हाथी हो जाएंगे। उन्हें मैं राजाओं तथा महाराजाओं को बेचूंगा और खूब सारा धन कमाऊंगा। शेख चिल्ली का सपना अभी भी चल रहा था। उसने सोचा, मैं हाथी बेचकर हीरे का व्यापार करूंगा और बहुत सारा पैसा कमाकर शानदार महल बनवाऊंगा, फिर मैं शादी कर लूंगा, फिर बच्चे होंगे, वो लाड़ प्यार में मेरे सिर पर चढ़ेंगे, जब ज्यादा तंग करेंगे तो मैं उन्हें यूं झटक दिया करूंगा। ये सोचते हुए शेख चिल्ली ने अपने सिर पर रखे टोकरे को झटके से सामने फेंक दिया। लो, सारे अंडे टूट गए। अंडों को टूटा हुआ देखकर तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। सेठ ने पलट कर देखा और आग बबूला होते हुए बोला, और ये क्या किया, 100 रुपए के अंडे तोड़ दिए। शेख चिल्ली रोते हुए बोला, अरे सेठ जी, आपके तो 100 रुपए के अंडे ही टूटे हैं, लेकिन मुझ पर तो आसमान ही टूट पड़ा है, मेरा मुर्गी घर, दुग्धशाला, महल सब खत्म हो गए, मेरे बीवी बच्चे, लाखों की जायदाद सब चली गई।